सचिन है रोहतक से, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैडम ये सर से बात करनी है, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन, और मैंने MRI कराई है। मेरी डिस्क में इश्यू आया है, डिस्क L4 L5 में बल्जिंग एंड L5 S1 में टीयर है। आप एक्सरसाइज करते थे क्या, वेट लिफ्टिंग? नहीं सर, मैं पहले वेट लिफ्टिंग तो नहीं करता था, बस नॉर्मल एक्सरसाइज करता था, थोड़ा बहुत कभी जिम, थोड़ी बहुत कभी, लेकिन मोस्टली ज्यादातर नहीं। ठीक है। अच्छा, कुछ दिन आप वेट लिफ्टिंग या एक्सरसाइज ना करें, और या तो गौन स्याह आता है, एक काला गौन, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, असली ले लें। बस 100 ग्राम भी मिल गया तो आप, यंग बच्चों को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, हम भी खुश हो जाते हैं, लेकिन आपसे शर्त है कि अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो फ़ोन करके आप हमें फीडबैक कॉल ज़रूर देना। और गौन स्याह कड़वा होता है, काला गौन भी कहते हैं इसे, और लोग इसके चक्कर में आपको कभी कभी क्या होता है कि वो उससे मिलती जुलती चीज़ दे देते हैं, एलवा दे देते हैं। एलवा भी ऐसे मिलता जुलता होता है, लेकिन फ़ायदे उसके अलग अलग हैं। गौन स्याह ले लें, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आपको दूध से लेना है। लेकिन यंग बच्चे इतनी जल्दी ठीक होते हैं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, और ये टेस्ट वो टेस्ट, देखिए बहुत सारे पैसे टेस्टों में चले जाते हैं, इलाज शुरू नहीं होता। पेन किलर इलाज नहीं है, जब दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं, लेकिन ये रोग का इलाज है। गौन स्याह असली ले लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं सरिता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी 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 मैम, हेलो। प्रश्न करिए। हाँ जी, वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे वो थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है, तो जी 12 12 पॉइंट है मेरा थायराइड। आपकी उम्र क्या है? 39। देखो बच्चा, थायराइड का तो बड़ा अच्छा इलाज है, अगर आप लिख लें। देखो, लिखोगे नहीं तो कुछ गड़बड़ करोगे, फिर उसका इल्ज़ाम मेरे सर जाएगा, ठीक है? तो लिख लीजिए, 300 ग्राम धनिया का दाना, धनिया तो आप जानते ही हैं, महिला हैं तो किचन में होता है, 300 ग्राम धनिया, और 100 ग्राम आंवला सूखा मिलता है, वो भी आप समझती होंगी, सूखा हुआ आंवला, और 100 ग्राम मेथी का दाना, और 100 ग्राम सफ़ेद गौन मोरिंगा। सफ़ेद गौन मोरिंगा असली लेना है, इन सबको पाउडर बनाना है, 1 चम्मच सुबह खाना है, 1 चम्मच शाम को खाना है, छोटा चाय का चम्मच भर के। वो दवा भी खानी है जो आप खाते हैं, आप देखेंगे हर 2 महीने में टेस्ट कराएं। आप और आपके डॉक्टर को बड़ा अचरज होगा कि उनको हर महीने दवा की पोटेंसी कम करते करते छोड़नी पड़ेगी। 7 8 महीने खाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, मेरी दुआ है कि आपको फ़ायदा हो जाए। जी, गुरदासपुर से हैं सुरेंद्र कौर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, आप सवाल करिए। जी। जी, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं। जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी, मेरे लत्तां तो थले थले सर, गोटियां तो थले थले पैरां दे विच कीड़ियां बहुत चल रही ने, एड़ियों में बहुत तकलीफ है। ते और मेरे ना मुंह दे विच भी, जबान च भी, ते कीड़ियां चल रही ने। आपने बोला कि आपके जबान में हाँ जी, क्या दिक्कत है? जबान में जिस तरह ना पैरों के बीच भी, लत्तों भी कीड़ियां चल रही ने। ठीक है, पैरों की परेशानी समझ में आती है कि आपको एड़ियों में तकलीफ होती है। नहीं और नहीं नहीं कीड़ियां जी, जिस तरह की कीड़ियां कीड़ियां जो उतर दिया ना। अच्छा, सीढ़ियां जब उतरती चढ़ती, हाँ जी, घबराहट हो रही है आपको? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, घबराहट नहीं होती। अच्छा ठीक है, आप कहना चाह रही हैं एकदम से अगर आपको मतलब घबराहट होने लगती है, आप हिंदी में बात कीजिए अगर आप कर सकती हैं तो। हाँ, मेरे ना पैरों के बीच भी, पैरों के बीच भी, जबान के बीच भी कीड़ियां कीड़ियां चल रही ने, ते मैं हार्ट की दवाई भी खाती पी हाँ भी बटाले तो। ठीक है, मैं समझ गया। जी ठीक है, अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो
हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी पूरी बात कर सकते हैं, वहाँ पर पंजाबी लोग जानने वाले भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर उर्दू हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज के डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप लेडी और जेंट्स डॉक्टर होते हैं, कभी भी किसी को ऐसी कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आए तो ये कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आप हेल्दी हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इससे घबराहट और बेचैनी ये सब होता है, और हार्ट की दवा भी ले रहे हैं आप, वो भी लीजिए, लेकिन जैतून का सिरका 3 चम्मच दोपहर में जब खाना खाएं, छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी मिला के लें, और इतने ही आप 3 चम्मच रात को सोते समय 1 गिलास पानी मिला के लें, आपकी घबराहट, ये कोलेस्ट्रॉल, ये दिल की परेशानी, दिमाग की परेशानी और बहुत सारे रोगों में ये काम आता है, आप ये ज़रूर लिया करें, वो दवा भी खाते रहें, भगवान आपको फ़ायदा दे देगा जी। चलिए अगले कॉलर हैं हमारे साथ, विश्वास त्यागी जी, स्वागत है आपका। हेलो 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 जी, बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, ये हकीम साहब से बात हो सकती है? जी जय हिंद, आदाब विश्वास जी, बताइए क्या सवाल? नमस्कार जी। आदाब जी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की जो धड़कन है वो कम हो जाती है। क्या आयु है आपकी विश्वास जी? 60 साल है। अच्छा देखिए, ये जांच वगैरह कराई थी तो उसमें तो सारा नॉर्मल आता है, वो कहते कि मीटर लगवा लो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी विश्वास जी। देखो आपके यहाँ मैंने बात की थी, वहां से गोंद मोरिंगा पत्ता था उन्होंने, मैंने वो मंगवा दिया, और उसमें आंवला 150 ग्राम गोंद मोरिंगा है, आंवला 150 ग्राम, 150 ग्राम मिट्टी और 150 ग्राम आपको थायराइड है क्या? धनिया। आपको थायराइड है क्या? नहीं, थायराइड तो नहीं है, जोड़ों का दर्द है। तो देखिए, आपने गलत नुस्खा लिया है, ये थायराइड का नुस्खा है, जोड़ों के दर्द में गोंद सियाह होगा, काला गोंद होगा। बताइए आप लाइन पे हैं क्या? हाँ जी हाँ। गोंद काला गोंद होगा वो? नहीं, उन्होंने तो गोंद मोरिंगा बताया था, आया भी है, वहीं से मंगवाया है मैंने। काले रंग का है क्या? काले रंग का है, सफेद रंग का? नहीं, सफेद है। नहीं, देखो जोड़ों के दर्द के लिए काला गोंद है, 1/2 ग्राम खाना होता है, और इन सब नुस्खों के साथ खाएंगे तो 1 ग्राम खा सकते हैं दिन में 2 या 3 टाइम। तो ये आपने नुस्खा ले लिया, गोंद मोरिंगा हटाकर इसमें से और गोंद सियाह मिला लें, और फिर 1-1 ग्राम 2 बार या 3 बार खा सकते हैं। और देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग नुस्खा है, आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं और दर्द की दवा बना रहे हैं, कुछ समझ से बाहर हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जैतून का सिरका है, 3-3 चम्मच दिन में 2 बार पानी मिलाकर पिए, तो कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है ये, जहाँ जहाँ होता है उसको चुन के बाहर निकालता है, दिल के लिए, हार्ट ब्लॉकेज के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत सारे रोगों के लिए है। आप सबसे पहले जैतून का सिरका लें 3-3 चम्मच, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फौरी तौर पर लेकर शुरू करें, आपको फायदा मुमकिन है जी। एमपी से हैं नाना जी, स्वागत है आपका जी। हेलो हेलो, आप अपना नाम बताइए। नाना जी द्वारे। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैं हाकिम साहब से बात करना चाहता था। जी जनाब, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है? नाना जी बोलिए, बताइए क्या सवाल है? नाना जी दोबारे। जी नाना जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? टीवी का आवाज मत सुनिए, नहीं तो बहुत देर में हमारी आवाज आप तक पहुंचती है, आप अपना सवाल
फोन पर बयान करें। डॉक्टर साहब, ये मेरे को 18 में पेरेलिस हो गया था जी, पेरेलिस हो गया था मेरे को 18 में। मेरा देखिए टीवी की आवाज, पेरेलिस हो गया था भाई, टीवी की आवाज कम करके फोन पर बात करें, बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर आपने टीवी का वॉल्यूम कम नहीं किया तो माफ कीजिएगा, मुझे आपकी कॉल कट करनी पड़ जाएगी। आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। पेरेलिस हो गया था मुझे, ठीक है। हाँ, फिर अब क्या दिक्कत चल रही है? दिक्कत, मैं गाड़ी घोड़ी सब चला लेता हूँ, सब कुछ अच्छा है मेरे को, मैं पैदल चलता हूँ तो मेरे को झुंझुनाहट आती है पैरों में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अदरक लहसुन और जीरे का एक पेस्ट बना के रख लीजिए और 2 चम्मच रोज़ाना अपने सालन में डालकर ज़रूर खाया करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक आता है जैतून का सिरका, ये सिरका अगर असली मिल जाए तो 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पिया करें। इसकी तासीर यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल को और उस को जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है वहाँ से ढूंढ कर निकालता है, चाहे दिमाग का मर्ज हो या दिल का मर्ज हो। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, ब्लड प्रेशर का दुश्मन है, और ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी बहुत अच्छा है, आप ये ज़रूर लें। और एक ख़ास बात ये कि जिसको भी हार्ट ब्लॉकेज हो या फालिज का असर हो, उसको बार बार होता है, और दुनिया में कोई भी शख्स 3 बार से ज़्यादा फालिज का अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना दिल का अटैक बर्दाश्त कर सकता है कोई भी, ऐसा अक्सरियत में होता है। तो ये दोबारा से ये रोग ये अटैक होने से भी रोकता है, आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी, दिल्ली से हैं उषा जी, स्वागत है आपका। उषा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, सवाल कर लीजिए। नमस्ते अकिन साहब को भी। जी जी, आदाब आदाब। वो अकिन साहब, मैंने आपके यहाँ से ना गोहन मोरिंगा मंगवाया था 16 तारीख को। तो मेरा क्या गैस बनती है और पेट फूलता है, मतलब कुछ खाऊं तो भी और ना खाऊं तो भी, हद से ज्यादा, और मतलब बेचैनी सी रहती है। तो मैंने गोन मोरिंगा मंगाया आपके यहाँ से, तो उन्होंने बताया कि उसमें मतलब 100 ग्राम आंवला और मेथी और क्या कहते हैं धनिया, ये पीस के उसमें ये मिलाना है। तो मैंने मिला के रख लिया, मैं ले रही हूँ, लेकिन मुझे उसे अभी थोड़ा आराम नहीं मिला है। कितना लेती हैं आप? मत एक एक चम्मच लेती, छोटी चाय और टीस्पून। हाँ, वो ले रही हूँ। और एक मेरा बेटा है 11 साल का हो गया है, उसकी वो थोड़ी उसकी जो वॉइस है वो थोड़ा तुतलाता है, हल्का हल्का, जैसे टी पर जहाँ पे आता है वहाँ पे, टै का जहाँ पे शब्द मतलब प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। ठीक है जी। ये नुस्खे में आप 200 ग्राम इसबगोल की भूसी और मिला लें, जो नुस्खा आप खा रहे हैं इसमें 200 ग्राम इसबगोल की भूसी मिला लें और फिर दूध से खाएं, तो आपको तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है। और बच्चे को देखिए, एक आता है ये बादाम का तेल, बादाम का तेल या तो बादाम ही ख़रीद लें और उसका तेल अपने आँखों के सामने निकलवा लें, ये असली होता है वरना नकली भरा पड़ा है। तो उसको 1 चम्मच उसकी सब्ज़ी सालन में, दूध में, किसी भी तरह 1 चम्मच उसके पेट में जाना चाहिए, ये रोजाना किया करें, आपका बच्चा भी ठीक होना मुमकिन है। जी, नागपुर से है नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो मैम जी, आपका नाम क्या है? नरेश साहू मैम, नागपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए आपका सवाल। मैम मेरे को शुगर है। शुगर कब से है? शुगर मैम मेरे को 1 से 2 साल हो गए मैम। आपकी उम्र क्या है? 34। 24,
34 ठीक है। अच्छा देखो बेटा, आपके लिए और उन लोगों के लिए जो शुगर पेशेंट नहीं होना चाहते और जो शुगर पेशेंट हैं, याद रखें एक बार शुगर हो गई तो जाती नहीं है, तो इससे पहले अपना ख्याल रखें, गर्म पानी पिया करें 5 बार और पैदल चला करें 1 घंटा धूप में, इससे भी शुगर नहीं होती। और जो रोगी हैं और जो रोगी नहीं हैं, जो रोगी नहीं है वो भी इसलिए लें कि उनको शुगर कभी ना हो, और जो रोगी हैं इसलिए लें कि शुगर कंट्रोल रहे। जैतून का सिरका असली लें, जैतून का सिरका 3 चम्मच दिन में, 3 चम्मच रात में, खाने के पश्चात 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के लिया करें। जो लोग रोगी नहीं हैं उनकी शुगर होने से रुक सकती है, जो लोग रोगी हैं उनकी शुगर कंट्रोल रह सकती है, लेकिन वो भी दवा भी लें जो आप लेते हैं, उसे भी ना छोड़ें, आप सेहतमंद ज़िंदगी हमेशा हमेशा गुजार सकते हैं।